इस ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट फ्लॉप हो गई हो, लेकिन इससे ईद पर सलमान की फिल्म का रिलीज होना बंद नहीं होने वाला। पिछले कई वर्षों से ईद पर सलमान की फिल्म देखना दर्शकों की आदत में शुमार हो गया है और ईद 2018 पर सलमान खान की रिलीज होने वाली फिल्म तय हो गई है। रेस 3 को अगली ईद पर प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में ये फिल्म सलमान ने साइन की है। निर्माता रमेश तौरानी पिछले कुछ महीनों से लगातार सलमान के संपर्क में थे। दोनों को रिक्शे में भी आते जाते देखा गया। आखिरकार रमेश ने सलमान को मनाने में सफलता हासिल की और रेस सीरीज के तीसरे भाग में अभिनय के लिए राजी कर लिया। रेस 3 की शूटिंग सलमान खान अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म को भारत के साथ साथ विदेश में भी फिल्माया जाएगा। ढेर सारे लोकेशंस, बड़ी स्टार कास्ट, जबरदस्त एक्शन दृश्य, इन सब बातों को देखते हुए ईद 2018 तक फिल्म का पूरा होना मुश्किल लगता है। फिल्म से जुड़े सूत्रों का इस बारे में कहना है कि सब तय है और अगले कुछ दिनों में सारी बातें और तय हो जाएंगी। फिल्म के निर्माता ईद पर फिल्म को रिलीज करने का मौका गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि ईद पर सलमान की फिल्म 15-20% ज्यादा व्यवसाय करती है। रेस 3 का निर्देशन रेमो डिसूजा कर रहे हैं। फिल्म में हीरोइन के तौर पर जैकलीन फर्नांडिस को लिए जाने की खबर है।